टू बी कंटिन्यू टू खुनसा पार्ट टू। दोस्तों चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज। लंबे अरसों के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम झेलने के बाद हमारा काम हो चुका है, ऑफिशियल काम हो चुका है। मेरे दोस्त ये फर्स्ट एक्सपीरियंस, इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू हैव अ लुक टुवर्ड खुनसा। जो इज इट खुनसा ट्रैवल नहीं किया है, बादल अच्छे बादल लगे हुए, बारिश लगता है आगे बारिश होगी। ये सारे देख रहे हैं, पब्लिक सारे आ रहे हैं गाड़ी अंदर। काफ़ी अच्छा है नज़ारा जो ऊपर के चांगलांग का, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे और आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। आज मंडे है जो कि बाजार का वक्त है। देख रहे हैं हम चांगलांग पहुँच चुके हैं और ये सारा बाजार मार्केट एरिया है। हम अभी जा रहे हैं मार्केट एरिया से, जो सब्जी बाजार होता है देख ही रहे हैं। काफ़ी बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, पीछे बाजार लगा हुआ है और हम अभी आपको ले चलते हैं। ये जगह जो है बहुत बढ़िया है, आई होप सो दिस वुड बी वेरी नाइस थिंग। ओके गुड़िया खा रही है चिप्स। हेलो बंदे, हेलो हाय कर दो। व्हाट इज योर नेम? लसंग लामा, इनका नाम छोटी गुड़िया का। सो वी आर मूविंग टुवर्ड खुनसा नाउ। ये अभी मार्केट एरिया आप लोग आपने देख चुका, सो इट्स वेरी फाइन टू हैव इन चांगलांग। सो वी विल मूव टुवर्ड अ प्लेस कॉल्ड खुनसा। मैं थोड़ा चश्मा पहन लेता हूँ तो अपना काम तो बनता ही रहेगा। और छोटी गुड़िया ने चिप्स ले ली है, उनके लिए थोड़ी बहुत चिप्स ले लिया है और हम निकल रहे हैं। ये रहा, आपको फ्रंट लुक देता हूँ।
इसके बाद दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं यद्दम। यद्दम में जाके हम कुछ फोटो वोटो क्लिक करेंगे और कुछ व्यू पॉइंट देखेंगे आप वहां से। वो सेल्फी पॉइंट है वहां पर। आगे व्यू पॉइंट है, देखते हैं यद्दम यद्दम का व्यू पॉइंट कैसा लगता है, वहां से नजारा कैसा दिखता है देखेंगे। प्रेजेंटेड ऑल ऑफ माय फ्रेंड वी टुगेदर लाइक टू गो एंड विजिट खुलसा। सो इट वाज वेरी ट्रेमेंडस जर्नी for me and it was it's a very first time for me to visit Tirap district. So थोड़ी बहुत चिप्स का पैकेट ले चुका ले लिया है हमने बढ़िया से। उसके बाद थोड़ा शॉपिंग कर लिया है चिप्स उसका और हम आगे निकल रहे हैं। रास्ते पे रुकावट दिखी और सो फ्रॉम चांगलांग हम चांगलांग से अभी थोड़ी देर बाद आउट ऑफ चांगलांग निकलने वाले हैं। एक माइल की ओर जा रहे हैं तो देखिए आप नज़ारा देखिए बहुत बढ़िया है। क्लाउडी भी है ऊपर से शायद बारिश का मौसम बनता है यहाँ पे। बारिश होने वाली है पता नहीं, भगवान करे बारिश ना हो आज। ठीक है, जब भी मैं निकलता हूँ चांगलांग की ओर तो पिछले बार भी आया था बारिश से पूरा भीग गया था। उतना भीगा भी नहीं था तर लेकिन रेनकोट पहना हुआ था। तो रास्ता तो पूरा उबड़ खबड़ है, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, ब्लॉक रोड भी कहीं लगा हुआ है, कहीं पे बना नहीं है। ऑफ रोड का मजा ही कुछ और है। तो काफी ऑफ रोड का मुझे एक्सपीरियंस है और मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो ज्यादातर तो ऑफ रोड ही मिलता है। अभी हम पूरा पहाड़ों के बीच है, टाउन से हम निकल चुके हैं। टाउन से निकल गए हैं ना सुरेश भाई? हाँ, तो बढ़िया है। देख रहे अब आपको नजारा दिखाऊंगा पीछे। भाई जी का ड्राइविंग ही कुछ और है। कैसे भी रोड हो, प्लेन हो कुछ भी चलेगा, कुछ भी। जहाँ नजर हटी वहां दुर्घटना घटी। देख भाई जी ने देख लिया होने लग गया। अब हम सही चलेंगे हाईवे। अब बढ़िया से अब सूरज भाई को भी आराम से लेके चलेंगे हम। वो देखिए अब स्पीड डाल के बोल के बढ़ रहे हैं, अपने पसीने पोंछ रहे हैं भैया जी। और ये देखिए ये रोड जो सीधा मतलब मनमोह होके आती है, ये जो अभी हम टच होके मतलब इसमें जिसमें राइड करके जा रहे हैं। थोड़ा ये स्लाइड भी हो चुका है, लैंडस्लाइड, एक क्रैक बैठ चुका है। अब कोई रुकावट निकेट नहीं होगा, सीधा चलेंगे बढ़िया से। अरुणाचल में एक ही प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे लैंडस्लाइड ज्यादा होती है। ये देख रहे हैं रास्ता जो है लैंडस्लाइडिंग हो चुका है। डेवलपमेंट वही रुकती है जहाँ ज्यादातर रोड थोड़ा ठीक ना हो। यहाँ तो अच्छा रोड तो गवर्नमेंट ने काफी मेहनत करके बहुत अच्छे से बनाया था, लेकिन अब हो क्या रहा है यहाँ पे स्लाइडिंग हो चुका है। अब रोड में कोई रोड अच्छी कंस्ट्रक्शन तो काफी कुछ बड़ा हुआ है यहाँ पे और काफी खर्चा भी किया हुआ है, मेहनत किया हुआ है सारे गवर्नमेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने, अरुणाचल गवर्नमेंट काफी रास्ते के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत खर्च किया था। लेकिन उनका क्या है यहाँ पे लैंडस्लाइड ज्यादा हो जाते हैं, उसके वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो पहाड़ों के बीच तो लैंड स्लाइडिंग तो सामान्य बात है, लेकिन अब ये रास्ता बहुत
हम निकल चुके हैं चांगलांग और खुनसा के खुनसा का बॉर्डर। सब्सक्राइब प्लीज कंटिन्यू टू पार्ट 3।